हेलो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है। जब हम कोई भी जैसे ग्राफ है ना, यहाँ पे मैं मान लो आपको एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, तो इस पॉइंट का कोई ना कोई एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, इसकी इस पॉइंट को डिफाइन अगर करना हो तो हम इन दोनों के बेसिस पे कर सकते हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट को और एक क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट क्या है, पी है। ठीक है, सो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। एंड फोर्थ यहाँ पे पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उस फॉर्मूला का यूज करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हो। एंड एक और चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वो है कोलिनियर के बारे में। ठीक है, कोई भी पॉइंट्स को हम कोलिनियर कब बोलते हैं। ठीक है, उनकी कोलिनियरिटी को शो करने के लिए आप क्वेश्चन किस तरीके से करोगे। सो वन बाय वन ये पांचों चीजें जो है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएंगी। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने से फॉर्मूले ये याद रखने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करवाऊंगी तब मैं बताऊंगी आपको कि ये यूज कैसे करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, आपके पास मान लो पी एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन। ठीक है, जैसे वहां पे हमने एक पॉइंट लिया था तो उस पॉइंट के भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, है ना। ग्राफ में अगर आप किसी पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हो, मीन्स दैट उस पॉइंट के क्या, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, पी एक पॉइंट है, उसके दो कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन। एंड क्यू एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, आपने क्या कर रहे हो, बेसिकली आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, मान लो ये आपके पास पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। हमने हम क्या निकाले, पी क्यू। डिस्टेंस क्या है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, पी क्यू। ठीक है, क्या डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ये फॉर्मूला होता है आपका यहाँ एक्स अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ये पूरे का स्क्वायर रूट होता है। पी क्यू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ध्यान रखना है ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। इन्हीं दो पॉइंट के बीच में जब हम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे आता है वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। या मैं इसको पहले देखो, मैं आपको क्वेश्चन करवा लेती हूँ। ठीक है, कैसे आप इसको यूज करोगे, तो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स है आपके पास सिक्स कोमा माइनस फोर। ठीक है, एंड थ्री कोमा जीरो। ठीक है, आपको बोला है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। अब यहां ये नहीं कर देना कि एक्स वन एक्स टू और वाई वन वाई टू, नो। ये होगा एक्स वन, ये होगा वाई वन, ये होगा एक्स टू, ये होगा वाई टू। जब आप ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको यूज करोगे इन पॉइंट्स में तो क्या आएगा, देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर दैट इज थ्री माइनस एक्स वन क्या है सिक्स है, तो थ्री माइनस सिक्स का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर जीरो माइनस वाई वन क्या है आपके पास फोर। देखो माइनस का फोर है, यहाँ वाई वन से पहले भी क्या है माइनस है, तो ये सीधा क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ फोर बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री माइनस सिक्स, माइनस का थ्री है ना और फोर तो प्लस का ही है। ठीक है, आप ये देखोगे थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन
और ये चीज तो आपको पता ही होगी, हम किसी भी टर्म का स्क्वायर लेते हैं तो वो स्क्वायर जो होता है उस टर्म का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो माइनस थ्री का स्क्वायर या थ्री का स्क्वायर वो कितना होगा, नाइन ही होगा। तो ये आ गया नाइन प्लस सिक्सटीन विच इज इक्वल टू फाइव यूनिट्स, ठीक है। इसको जब आप ऐड करोगे ये बनेगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 क्या होता है, 5 है ना। तो 5 यूनिट्स जो है ये इसका डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना है। सेकंड फॉर्मूला जो है वो है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब ये सेक्शन फॉर्मूला आप कैसे, मैं आपको पहले सिंपल इसमें बताती हूँ। देखो मान लो ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये आपके पास एक लाइन है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स हैं एक्स वन वाई वन, यहाँ पे पॉइंट्स हैं एक्स टू वाई टू। ये जो लाइन है ना ये किस रेशियो में यहाँ पे कट रही है, इक्वल पार्ट्स में, एम रेशियो एन में, ठीक है, किस में, एम रेशियो एन में। तो आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या है, ये होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ये हो गया आपने वाई निकालना है तो वाई के लिए, ठीक है। ये एम और ये एन क्या है, ये वो रेशियो है जो इस लाइन को टू इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। और ये रेशियो ऐसा नहीं है कि फोर रेशियो फोर होगा, इट कैन बी फोर रेशियो थ्री, थ्री रेशियो टू, ठीक है। जो इक्वालिटी का कंडीशन होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये आगे आपके पास सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में क्वेश्चन देखो कैसे आप क्वेश्चन करते हो। तो क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए, ठीक है, आपके पास जो कोऑर्डिनेट देके रखे हैं वन कॉमा माइनस थ्री और बी देके रखा है माइनस थ्री कॉमा नाइन इंटरनली, ठीक है, इंटरनली, ठीक है। इन द रेशियो थ्री रेशियो वन, ठीक है, वन रेशियो थ्री, सॉरी दिस इज वन रेशियो थ्री, ठीक है, वन रेशियो थ्री में आर गिवन बाय। तो आप क्या करोगे, ये आपके पास रेशियो देके रखी है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए है, मतलब देखो आपके पास एक्स वन वाई वन बी, एक्स टू वाई टू बी और एम रेशियो एन भी देके रखी हुई है। बट ये इंटरनली ये क्या है, ठीक है, ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ना, जब आपको बोला होगा कि ये आपके पास पॉइंट्स हैं और ये आपके पास रेशियो देके रखी होती है और ये रेशियो इंटरनली डिवाइड कर रही है, तब तो यूज करोगे प्लस का साइन। जब बोलेंगे एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है तब वहां पे यूज करोगे माइनस का साइन, इतना डिफरेंस होता है बस, ठीक है। तो ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला जो है इसको यहाँ पे यूज करो, यूज करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज योर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है ना, और ये एम है और ये एन है, ठीक है। यूज जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा एक्स इज इक्वल टू वन डॉट माइनस थ्री प्लस थ्री डॉट वन अपॉन वन प्लस थ्री, जो क्या होगा जीरो के बराबर होगा। एंड वाई को जब आप लोगे तो ये आएगा वन डॉट नाइन प्लस थ्री डॉट माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एंड दिस इज अगेन इक्वल्स टू जीरो, ये भी क्या होगा जीरो के बराबर होगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने का है, ये वाला एक्स वाला, जो वाई वाला है वो ये वाला है, वाई कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, ठीक है। तो बस आपके पास वैल्यूज हैं, आपने सिर्फ फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में ये वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है एंड आप आंसर जल्दी निकाल दोगे। तो आंसर क्या आ रहा है इसका भी, जीरो जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो जीरो आ रहा है। तो आपने इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है इंटरनली और एक्सटर्नली का, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया प्लस और माइनस में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट,
नेक्स्ट क्या है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या होता है कि आपके पास ना लाइन जो है ना, मैं बोल रही थी यहाँ पे एक्स वन वाई वन था, यहाँ पे एक्स टू वाई टू था ना, एक्स वन वाई वन था, एक्स टू वाई टू, ये दो पॉइंट्स थे। मिड पॉइंट में ये होता है कि जो आपकी रेशियो है ना, ये एम इज इक्वल टू एन होता है, ये रेशियो बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है। एम इज इक्वल टू क्या होता है, एन होता है। तब मिड पॉइंट जो निकालते हैं हम, वो क्या होता है आपके पास, पी इज इक्वल टू, ये मान लो ये पॉइंट पी है, आपने ये निकालना है ना, तो P इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ठीक है, ये होगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आता है फॉर्मूला, ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपके पास, ये था आपके पास थर्ड फोर्थ, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता होगा हम क्या लिखते हैं, वन बाई टू, ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट, ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेट के केस में वही फॉर्मूला जो है एक्सटेंड होके ये बनता है आपके पास, इज इक्वल टू वन बाई टू, आपके पास कोऑर्डिनेट ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या होती है इस तरीके से होती है ना, मतलब यहाँ पे एक्स वन वाई वन होगा, ठीक है, देन एक्स टू वाई टू होगा, है ना, और क्या होगा, एक्स थ्री वाई थ्री, तीन पॉइंट होते हैं ना, तो एक्स थ्री वाई थ्री भी होगा, ठीक है, ये होगा। अब आपका क्या है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से डिड्यूस करके लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू वन बाई टू ब्रैकेट एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू, ठीक है, वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री, क्या बचा, वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है, यही था, यही बचा ना, और ये आपका मोड होता है, ठीक है, दिस इज योर मोड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला ये होता है आपके पास, वन बाई टू, जब आप एक्स वन लोगे ना, इस तरीके से आपने देखो उसको याद करना है, जब आप एक्स वन ले रहे हो तो आपने y के जो पॉइंट्स है वो y2 और y3 लेना है, ठीक है। जब आप x2 ले रहे हो, x2 ले रहे हो तो आपने अंदर क्या लेना है, y3 y1 लेना है। जब आप x3 ले रहे हो तब आपने अंदर क्या लिया, y1 और y2 लिया। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या करना है आपने, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वर्टिसेस हैं, क्या क्या वर्टिसेस देके रखी हैं, 4, 4, फिर है आपके पास 3, -2 और एक है आपके पास -3, 16। कुछ नहीं करना, आपके पास सब कुछ देके रखा, आपको फॉर्मूला भी पता है क्या था, एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया, ये वाला, ये आपके पास एक्स थ्री हो गया, ये आपके पास वाई थ्री हो गया, बस वन बाई टू और वो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप इन टर्म्स को पुट कर दो। सॉल्यूशन ये बनेगा वन बाई टू मोड, ठीक है, 4 × -2 − 16 बनेगा ना, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री था, एक्स वन क्या है 4 है, वाई टू क्या है -2 है, ठीक है, माइनस वाई वन कितना है, सॉरी वाई टू माइनस वाई थ्री होगा, कितना होगा -16 प्लस 3, नेक्स्ट पॉइंट लोगे तो 16 − 4 आएगा अंदर, प्लस -3 आएगा, फिर थर्ड पॉइंट जब लोगे प्लस -3 ब्रैकेट के अंदर आएगा 4 + 2, ठीक है, और ये मोड क्लोज, ठीक है। आप कुछ नहीं करना, ये टर्म को सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो ये आएगा माइनस मोड का 54 अपॉन, इसके अपॉन में आएगा 2, ये वाला 2, ये एज इट इज रखा, बस अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो मोड जब हटेगा तो ये टर्म किस चीज की हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है,
ये क्या बन जाएगा 54/2 बन जाएगा, 2 का कितना होता है 4 होता है, 2 कितने का 14 होता है, 2 7 14, तो ये आ गया आपके पास 27 इसका आंसर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस जो हैं वो 4.4, 3.-2, -3.16 है, ठीक है, उसका जो एरिया है वो है 27। अब मैंने आपको बताया था एक टर्म कोलिनियर, ठीक है, क्या होता है वो, ठीक है, मान लो ये आपके पास एक लाइन है, यहां पे एक पॉइंट ए है, यहां पे एक पॉइंट बी है, यहां पे एक पॉइंट सी है। जब ये तीनों के तीनों पॉइंट मैंने एक ही लाइन में ड्रॉ किए हैं, ठीक है, तीनों के तीनों पॉइंट जब एक ही लाइन में होते हैं तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, एज दे आर लाइन इन अ लाइन, तो इनको क्या बोलते हैं, हम कोलिनियरली बोलते हैं, ठीक है। और इस केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना वो इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, सॉरी अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आए, ठीक है, आप एरिया आपके पास वर्टिसेस देख के रखी है, आपने ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया और आपने ये देखा कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास 0 आ रहा है तो एक चीज क्लियर होगी, वो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, वो मतलब एक ही लाइन में सारे के सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कोलिनियरिटी की मैंने